hello my name is manju bhardwaj and in today's video we are doing poem number 10 of first flight the tale of custard the dragon written by ogden nash it's a long humorous and simple poem written in form of ballad now what is ballad ballad kya hota hai when a story is written in the form of poem then it is called ballad dear students look at the title द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन द टेल मीन स्टोरी ऑफ की कस्टर्ड कस्टर्ड नेम है किसका द ड्रैगन यानी कि कस्टर्ड द ड्रैगन की स्टोरी है ये स्टूडेंट्स अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसकी लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे स्टेंजा वन ये जो पोएम है बहुत सिंपल है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही कॉमिक हैं तो हम इसे ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे जिससे इसका जो म्यूज़िकल इफ़ेक्ट है रिदम और बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस पोइट ने यूज़ किए हैं इसको म्यूज़िकल इफ़ेक्ट देने के लिए वो सब अगर आप इसे ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे और बहुत अच्छा भी महसूस करेंगे आप बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डोग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रुल्यो लिटिल पैट ड्रैगन बेलिंडा सबसे पहला मेन कैरेक्टर है एक छोटी सी लड़की है जो कि लिटिल वाइट हाउस में रहती है उसका वाइट कलर का घर है का अपने फोर पेट एनिमल्स के साथ उस घर में वो रहती है कौन कौन से हैं वो पेट एनिमल लिटिल ब्लैक किटन लिटिल ग्रे माउस अ लिटिल येलो डोग एंड अ लिटिल पैट ड्रैगन और उसके पास एक रेड कलर की वैगन भी है वैगन क्या होती है गाड़ी होती है एक छोटी सी जिसमें वो सारे पैट के साथ अपने घुमा करती थी लुक एट लास्ट लाइन ऑफ दिस एंड रियलियो ट्रूलियो रियल रियलियो जो आपकी ये स्पेलिंग है रियल रियलियो मीन रियल तो स्पेलिंग को चेंज कर दिया है पोइट ने ट्रूलियो ये भी हमारी ट्रू से बनाई है उन्होंने स्पेलिंग ये पोएट के पास लाइसेंस होता है इसे बोलते हैं हम पोएटिक लाइसेंस पोएट्स जो होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं सो दैट दे कैन क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट रिदम टू देयर पोएम स्टेंजा में हमारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए सेकेंड स्टेंजा नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक and the little gray mouse she called him blink and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was coward and she called him custard second stanza me jo pet animals hain unke name bataye gaye hain black kitten ko ink bataya gaya hai ग्रे mouse को blink कहा गया है yellow dog को वो mustard कहती थी और dragon जिसे कि coward coward मीन कायर कायर बताया गया है वो उसे कायर कहती थी और उसका नाम था कस्टर्ड बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेंजा लेटेस्ट चेकआउट स्कीम ऑफ द स्टेंजा इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड इंक इज राइमिंग विद ब्लिंक सो ए ए मस्टर्ड इज राइडिंग राइमिंग विद कस्टर्ड सो बी बी तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है ए ए बी बी हर स्टेंजा की इस पोएम के हर स्टेंजा की राइम स्कीम ए ए बी बी ही निकल कर आएगी क्योंकि फर्स्ट टू लाइंस के लास्ट वर्ड राइम कर रहे हैं और नेक्स्ट टू लाइंस के लास्ट वर्ड आपस में राइम कर रहे हैं सो so, पोएम की राइम स्कीम निकल कर आती है ए ए बी बी यू कैन चेक इन एवरी स्टेंजा नेक्स्ट स्टेंजा में कस्टर्ड की अपेयरेंस के बारे में बताया गया है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ

एंड स्केल्स अंडरनीथ और लोअर सरफेस जो बॉडी की है वहाँ पर स्केल्स हैं माउथ लाइक अ फायर प्लेस उसका जो मुंह है वो फायर प्लेस की तरह है चिमनी फॉर अ नोज़ और उसका नोज़ जो है वो चिमनी जैसा है रियली और ट्रियलीगर्स डैगर्स मीन होता है नुकीली कटार चाकू जैसे और उसके टोज जो हैं उसके नेल्स बिल्कुल डैगर्स जैसे हैं इस टेंजा में ये बताया गया है हाउ ब्रीव द आर बिलिंडा वॉज एज ब्रीव एज अ बैल फुल ऑफ बीयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयन डाउन द स्टेयर्स मस्टर्ड वॉज एज ब्रीव एज अ टाइगर इन अ रेंज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बेलिंडा को बताया गया है कि वो बैल फुल ऑफ बेयर्स यानी कि भालू का झुंड जो जितना गुस्से में होता है यानि कि जितना बहादुर होता है बेलिंडा उतनी बहादुर है इंक और ब्लिंक जो है वो इतने बहादुर है कि वो किसी लॉयन को भी चेज कर सकते हैं पीछा करके सेयर से नीचे भेज सकते हैं मस्टर्ड इतना ब्रेव है जितना कि टाइगर होता है गुस्से में मीन गुस्सा कस्टर्ड लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा एक नाइस सेफ केज की डिमांड करता रहता है इसीलिए उसे कार्ड कहा गया है तो फर्स्ट लाइन में पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है एलिट्रेशन नेक्स्ट लाइन में आपको मिलेगा कंपैरिजन किया गया है जब एज और लाइक वर्ड से कंपैरिजन किया जाए तो सिमिली और अगर कंपैरिजन को डायरेक्ट किया जाए तो मेटाफर फिफ्थ स्टैंडिया में बताया गया है कि कितना रूड बिहेवियर था सभी का ड्रैगन के लिए बलिंडा टिकल्ड हिम शी टिकल्ड हिम अनमर्सिफुल इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिबुल दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रिलियो ट्रुल्डली ड्रैगन बलिंडा टिकल्ड मीन गुदगुदाना कि वो उसको हंसाती रहती थी टिकलिंग करके और उसका जो टिकलिंग था वो बहुत ही अनमर्सीफुल मर्सीफुल मीन होता है दयनीय और वो बहुत ही मर्सी उसे टिकल करती थी इंक ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों ही बहुत ही रूडली उसे परसीबिल कहते थे परसिविल एक नाइट था कंपेयर किया गया है आ, कस्टर्ड को परसीबिल कहकर वो बुलाते थे वो नाइट जो था वो बहुत बहादुर था लेकिन एक बार वो भाग गया था दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटल रेड ड्रैगन वो अपनी गाड़ी में हंसते हुए सारे बैठ जाते थे एट द रीलियो ट्रुलियो कार्ली ड्रैगन और वो उसका मजाक uh, उड़ाते थे किसका ड्रैगन uh, का कार्ड कह के कि तुम तो कायर हो नाउ बिलिंडा गिगिल्ड शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सैड विक विच इज गिगलिंग फॉर अम हाउस इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्ट इज एज मैनकस्टर्ड क्राइड फॉर अनाइ सेज गि गुदगुदाना तो बिलिंडा जो है उसको गिगलिंग करती है जब तक कि घर पूरा हिलने नहीं लग जाता इतना अन मर्सीफुली वो उसको गिगल करती है ब्लिंक विक की आवाज़ निकालता है जिससे कि माउस जो है उसको हंसी आ जाती है इंक और मस्टर्ड उसकी एज पूछते हैं रूडली बहुत ही रूड मैनर में पूछते हैं क्योंकि जब कस्टर्ड नाइस सेफ केज की डिमांड करता है तो वो कहते हैं तुम क्या छोटे बच्चे हो इसकी एज पूछते हैं सडनली सडनली दे हार्ड अस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुकड अराउंड म्यूच क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बिलिंडा फॉर देर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विडा अचानक से उन्हें एक नेस्टी साउंड सुनाई देता है नेस्टी मीन बैड बुरी सी आवाज़ सुनाई देती है मस्टर्ड ग्राउल करता है ग्राउल मीन गुर्राता है एंड दे ऑल अराउंड और वो चारों उस तरफ देखने लगते हैं म्याउच जो कैट है वो म्यू प्लस आउच की साउंड निकालती है इंक भी चिल्लाता है एंड ऊ क्राइट बलिंडा और ब्रिंडा भी ओ की साउंड निकालती है फोर दे वॉज अ पायरेट पायरेट होता है समुद्री डाकू लुटेरे को हम पायरेट बोलते हैं तो विंडा से क्लाइम करके वो पायरेट ऊपर आ रहा था विंडा मीन्स विंडो अब इसकी स्पेलिंग जो है चेंज कर दिए विंडो की इससे ये जो पोइटिक डिवाइस है जिसमें पॉयट अपने अकॉर्डिंग स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं पॉयटिक लाइसेंस नेक्स्ट एंजिया में बताया गया है कि पायरेट कैसा दिखता है पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हैल्ड इन हिस्स अ कटलेस वुड इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मैंट नो गुड पिस्टल इन लेफ्ट एंड राइट हैंड जो डाकू था उसके दोनों हाथ में पिस्टल थी एंड हैल्ड हिज टीथ और अपने दांतों के बीच में कटलेस मीन स्वर्ड एक छोटी सी तलवार पकड़ रखी थी हिज बियड वॉज ब्लैक उसकी दाढ़ी काली थी और जो एक लेग थी वो लकड़ी की बनी हुई थी इट वॉज क्लियर दैट द पार्ट मो गुड और ये बिल्कुल क्लियर था उसकी अपेयरेंस से कि वो बुरा करने आया है जी स्टूडेंट्स इस चंजा में आपको पता चलेगा कि जो अपने बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं वो कितने बहादुर हैं बिलिंडा पेज एंड शी क्राइड हेल्प Help, but mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blink. Strategically, mouse hold. तो so Belinda जो है peeled मतलब डर के मारे yellowish face हो गया उसका और वो चिल्लाती है help के लिए. But जो mustard है fled, fled का मतलब होता है भाग जाना. Flee जो verb है हमारी फ्ली है ये फ्ली की पास फॉर्म होती है फ्लैड तो वो चिल्ला कर टेरीफाइड येल्प डर, डरी हुई येल्प मीन चिल्लाने की आवाज़ तो वो चिल्लाकर भाग जाता है इंक ट्रिकल डाउन ट्रिकल डाउन हेयर मीन्स वेंट वो भी बॉटम में चली जाती है घर के एंड लिटिल माउस ब्लिंक और जो छोटा ब्लिंक था चूहा वो भी स्ट्रेटेजिकली मीन्स क्लेवरली अपने बिल में चला जाता है बट अप जम्पड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक ए इंजिन क्लैश्ड हिस्टेल लाइक आयरन इन अ डंजन विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जेंगलिंग स्कूल ही वेंट एट द पायरट लाइक अ रोबिन एट अ वर्म तो जो कस्टर्ड है वो घबरा कर भागता नहीं है वो एकदम से जंप करता है जैसे कि एक इंजन आवाज़ करता है ना नोस्टिल से आवाज आना स्नोटिंग मीन्स नोस्टिल से आवाज़ आना इंजन की आवाज़ करते हुए वो जंप करता है क्लैश हिज टेल और अपनी टेल को ऐसे टकराता है डंजन क्या होता है तहखाना तो तहखाने में जैसे डंजन टकराती हैं जंजीरें आयरन डंजन टकराती हैं उस तरह से वो अपनी पूँछ को टकराता है विद अ क्लेटर एंड क्लैंक एंड अ जेंगलिंग स्क्वें क्लैटर एंड क्लैंक के साउंड्स हैं जैसे बर्तन एकदम से फिसल कर गिर जाते तो साउंड आता है ना उसी तरह का साउंड करते हुए वो अपना क्या करता है ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वम वो पायरेट के ऊपर ऐसे झपट पड़ता है जैसे रोबिन पक्षी आप देख सकते हैं इस पिक्स में ये वाली जो पिक है इसमें रोबिन पक्षी है ये और ये वम यानी की कि कीड़े जो होते हैं उन पर झपटता एकदम से बिल्कुल वैसे ही जो हमारा कस्टर्ड है

एट ब्लिंडाज ड्रैगन वो ब्लिंडा के ड्रैगन को सरप्राइज के साथ देखता है एंड गर्ल्प सम ग्रोग गर्ल्प मीन स्पेलोड ग्रोग मीन लिक्विड और शराब बोल सकते हैं आप फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन फ्लैगन क्या है कंटेनर जिसमें वो शराब थी तो वो थोड़ी सी ग्रोग अपने पॉकेट फ्लैगन से स्वेलो करता है ही फायर टू बुलेट्स फिर वो दो बुलेट्स चलाता है बट दे वो कस्टर्ड को हिट नहीं करती एंड कस्टर्ड गोबर हिम एवरी बिट लेकिन कस्टर्ड जो है उसे पूरा का पूरा गोबल मीन निगल जाता है तो देखा आपने रियलिटी में कौन ब्रेव है कस्टर्ड या फिर बाकी के पैट्स नेक्स्ट एंजा बलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम मस्टर्ड लिक्ड हिम नो no वन for फॉर हिज victim. विक्टिम इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली gyrate अराउंड द ड्रैगन दैट एट द pirate. बलिंडा embraced mean हग्ड वो कस्टर्ड को हग करती है मस्टर्ड भी उसे लिक यानी कि चाटने लगता है नो वन मोन्ड मोन मीन दुख प्रकट करना कोई भी पायरेट विक्टिम के लिए दुख नहीं प्रकट करता इंक और ब्लिंक ग्लीम इन मैरिली खुशी से जयरिट मिन चक्कर लगाना अराउंड द ड्रैगन ड्रैगन के चारों ओर खुशी से चक्कर लगाने लगते हैं क्यों दैट एट द पायरेट क्योंकि उसने पायरेट को खा लिया था नेक्स्टा बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड आई वैव बीन टाइस एस ब्रेव इफ आईडेंट बीन फ्लस्टर्ड and up spoke ink and up spoke blink we would have been three times as brave we think and custard said i quite agree that everybody is braver than me तो अब वो वापस से अपनी उसी बात पे आ जाते हैं बढ़ा चढ़ाकर बोलना शुरू कर देते हैं और कहता है mustard कि मैं आ, क्या करता कि तुमसे दो गुना बहादुर होता अगर मैं nervous flustered mean गेटिंग नर्वस नर्वस ना हुआ होता इंक और ब्लिंक भी बहुत बढ़ा चढाकर बोलते हैं वो कहते हैं हम तो तुमसे तीन गुना बहादुर होते ऐसा हम सोचते हैं लेकिन जो कस्टर्ड है वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि आप मुझसे ज़्यादा बहादुर आप क्या हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है जी स्टूडेंट्स टेंजर नंबर फोर्टीन एंड फिफ्टीन दोनों मैंने एक साथ रख दिए हैं बिकॉज दीज टू स्टेंज आर रेपिटेशन ऑफ स्टेंजा नंबर वन एंड स्टेंजा नंबर फोर सिर्फ एक ही डिफ्रेंस है कि स्टेंजा वन एंड फोर जो था वो पास्ट टेंस में था और स्टेंजा फोरटीन एंड फिफ्टीन प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि वो बता रहे हैं कि अभी भी वैसे ही चल रहा है सब कुछ जैसे पहले था वो वापस उसी ढर्रे पर आ जाते हैं जैसे कि वो पहले रह रहे थे चलिए कर लेते हैं बलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डोग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियल यू ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन बलिंडा अभी भी वैसे ही रह रही है अपने वाइट हाउस में अपने पैट एनिमल्स के साथ जो कि की अपना कीटन माउस डोग एंड ड्रैगन है और उसके पास एक छोटी वैगन भी है अभी भी है और आ, उसके पास जो ड्रैगन है वो भी अभी भी है बलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज बिलिंडा अभी भी अपने आप को उतना ही बहादुर बताती है कि जितना बैरल फुल ऑफ बेयर है इंक ऑफ ब्लिंक है वो आज भी कहते हैं कि हम लॉयस को चेज कर सकते हैं मस्टर्ड कहता है कि मैं इतना ब्रेव हूँ अभी भी जितना कि एक टाइगर होता है गुस्से में और कस्टर्ड आज भी एक नाइफ नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है सो so स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन ऑफ अ लॉन्ग बट सिंपल पोएम अब हम इसके पोइटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में पोइट ने यूज़ किए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफर चिमनी फॉर अ नोज़ नोज को चिमनी बताया गया है वेन वी कंपेयर टू थिंग्स विदाउट द वर्ड लाइक और एज दैन इट इज़ कॉल्ड मेटअर सेकेंड इज सिमिली बहुत सारे सिमिली के एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको इस पोएम में माउथ लाइक अ फायर प्लेस लाइक अ रोबिन एट अ वम स्नोटिंग लाइक एन इंजिन जब भी पोइट ने लाइक और एज वर्ड यूज करके दो चीज़ों को कंपेयर किया है जैसे कि माउथ और फायर प्लेस को रोबिन बर्ड को और स्नोटिंग लाइक एन इंजन इंजन की तरह स्नोट कर रहा है ये सब एग्जाम्पल किसके हैं सिमिली के ऑगजीमरोन यूज ऑफ टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स फॉर एग्जाम्पल पेट ड्रैगन अब ड्रैगन एक डेंजरस एनिमल है और पेट नहीं बनाया जा सकता तो ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं इसीलिए पोर्टिक डिवाइस है ऑग्जीमरोन नेक्स्ट इज एनाफोरा एनाफोरा फाइंड आउट करना बहुत ईजी है रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉजिगेटिव लाइन्स आपका जो था एंड अ लिटल एंड अ रियलियो यानी कि जो आपकी लगातार दो लाइन है और उनका फर्स्ट वर्ड सेम है एंड एंड तो डिवाइस है एनाफरा नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एस सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड तो आपने देखा होगा एस जो वर्ड है एस का साउंड बहुत प्रोमिनेटली यूज़ किया गया है तो इसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंस अनोमेटोपिया यूसेज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट जब भी आप साउंड डिनोटिंग वर्ड यूज करते हैं एक इफेक्ट लाने के लिए तो उसे हम बोलते हैं ऑनोमेटोपिया मस्टर्ड ग्राउल्ड म्योच ये क्लैटर क्लैंक जेंगलिंग ये सभी साउंड डिनोटिंग वर्ड्स हैं और बहुत ही अच्छे से इन्हें यूज़ किया गया है तो इस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं ऑनोमेटोपिया ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन्स जब आप एक एडजेक्टिव को जिसको वो वर्ड एक्सप्रेस करता है उसके साथ नहीं यूज करके किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज़ करें तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एग्जाम्पल टेरिफाइड येल्प अब टेरिफाइड येल्प मीन चिल्लाना चिल्लाया कौन होगा एनिमल और हमने वर्ड को यूज़ किया है येल्प के साथ टेरिफाइड मीन डरावनी तो इसीलिए ये क्या है ट्रांसफर्ड एपिथेट. इमेजरी द अटैक बाय द ड्रैगन इज़ एक्सप्रेस इन अ वे टू मेक एन इमेज इन अवर माइंड्स कि इमेजरी वो डिवाइस है जिससे हमारे माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर जब अटैक किया ड्रैगन ने पायरेट के ऊपर तो वो पिक्चर क्लियरली हमारे माइंड में प्रिंट हो रही है तो इसीलिए ये पोइटिक डिवाइस है इमेजरी नेक्स्ट इज एजोनेंस यूज ऑफ वावल साउंड जब रिपीटेडली कोई वावल साउंड बिगिनिंग सेंटर और एडजेंसन वर्ड में यूज़ किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एजोनेंस एग्जाम्पल बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स तो जो अ साउंड है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज़ की गई है

स्टूडेंट्स ये हमारे इस पोएम के पॉइटिक डिवाइस हैं बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हमने पॉइटिक डिवाइसेस को पार्ट वन एंड पार्ट टू बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है अगर आपको इन्हें डिटेल में करना है तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ दोज वीडियोज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ फर्स्ट क्वेश्चन

जिनका नाम है इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड क्वेश्चन नंबर टू वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? इज द ड्रैगन कॉल्ड कार्डली ड्रैगन कस्टर्ड हमेशा सेफ केज के लिए क्यों क्राई करता रहता था और उसे कायर क्यों कहा गया है आंसर। कस्टर्ड मिस्ट्रेस बेलिंडा ऑलवेज टीज्ड हिम इन एन अनमर्सीफुल मैनर द अदर पेट्स ऑफ द हाउस ओल्सो लाफ एट हिम दस कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइज सेव केज दिस इन टर्न कोजेज द अदर पैट्स टू कॉल हिम अ कार्डली ड्रैगन कस्टर्ड जो है उसके मिस्टर ब्लिंडा उसको बहुत ही निर्दयता से ट्रीट करती थी और सभी के सभी पैट्स बाकी के उस पर हंसते रहते थे इस वजह से कस्टर्ड हमेशा केज के लिए डिमांड करता रहता था और बाकी के जो पैट एनिमल्स थे वो उसे कायर बुलाते थे क्वेश्चन वेयर डिड बेलिंडा लिव वर द नेम्स ऑफ पेट एनिमल्स बेलिंडा कहाँ रहती थी और उसके पेट एनिमल्स का नेम क्या था बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस शी हैड फोर पैट्स इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड बेलिंडा वाइट हाउस में रहती थी और उसके चार पैट थे इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड इंक वॉज अ लिटिल ब्लैक किटन इंक एक छोटी बिल्ली का नाम था ब्लिंक वॉज अ लिटिल ग्रे माउस और ब्लिंक माउस का नेम था मस्टर्ड वॉज अ लिटिल येलो डोग और मस्टर्ड जो था उसका येलो प्यारा सा डोग था एंड कस्टर्ड वॉज अ लिटिल पैट ड्रैगन और कस्टर्ड उसका पैट ड्रैगन था नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन अ बैलड

और एक पायरेट को यानी कि समुद्री डाकू को मार देता है कस्टर्ड प्रूव हिज वर्थ वेन सिचुएशन डिमेंड्स इट कस्टर्ड अपनी वर्थ को प्रूव कर देता है कि जब सिचुएशन की जरूरत हो तो वो कार्ड नहीं है दस वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ बैलेड इसीलिए हम इस पोएम को एक बैलेड बोल सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स We have completed our explanation literary devices and important questions of the poem I hope you have understood it well and enjoyed the video agar the video helpful lage, don't forget to like share and subscribe and also put your valuable comments in comment section below Thanks for watching see you again in the next video.